प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आपने एक नाम शायद सुना हो। यदि आप नॉवेल्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, खासकर थोड़ा सा विदेशी नॉवेल है ये, लेकिन उनके हिंदी में भी अनुवाद आ गए हैं और बहुत पॉपुलर है। एक नाम आपने जरूर उपन्यास का सुना होगा, अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट उनके लेखक हैं पाउलो कोएलो। पाउलो कोएलो बहुत ही गजब के दोस्तों लेखक हैं, और यदि इनकी यह किताब अल्केमिस्ट आपको पढ़ने को मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। हालांकि उनकी जो दूसरी किताबें अल्केमिस्ट से भी ज्यादा बेहतर हैं, और खासकर मुझे उनके दूसरी जो किताब थी 11 मिनट्स, 11 मिनट जिसका हिंदी अनुवाद होगा, वो तो बहुत ही अद्भुत किताब मुझे लगी थी। मतलब कह लीजिए कि अल्केमिस्ट से भी ज्यादा अच्छी किताब लगी थी। खैर, आज के बहुत ही ये पॉपुलर नॉवेलिस्ट हैं, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, बहुत ही लोकप्रिय उपन्यासकार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके उपन्यासों में जिंदगी की बड़ी गहरी फिलॉसफी मिलती है और बड़ी नई फिलॉसफी मिलती है। और बात कहने का तो इनका जो अंदाज है, जो नया अंदाज है, और इतना प्रभावशाली अंदाज है कि वो तो दोस्तों अद्भुत है। अब मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पाउलो कोएलो साहब की बहुत सी किताबें अब अनूदित होकर हिंदी में आ चुकी हैं। यह हिंदी हम हिंदी वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दोस्तों, मुझे पिछले दिनों उनका एक वाक्य पढ़ने को मिला। इस वाक्य ने मुझे बहुत मतलब प्रभावित किया। फिर मुझे लगा कि बेहतर होगा कि मैं इस वाक्य को, जिससे मैं खुद इतना प्रभावित हुआ हूं, अपने प्रिय पाठकों के साथ, प्रिय अपने श्रोताओं के साथ शेयर करूं। डेफिनेटली मेरे लिखने में भी कहीं ना कहीं आएगा, तो मेरे पाठकों से भी शेयर हो जाएगा, ताकि हो सकता है कि वह इन्हें भी प्रभावित यह उन्हें भी प्रभावित कर सके। तो मित्रों, यही सोचकर मैं आज के अपने इस लाइफ मैनेजमेंट में उनके इस वाक्य की व्याख्या करने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले हम उनका वह वाक्य देख लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने कहा है, उन सभी को धन्यवाद जो मेरे सपनों पर हंसते हैं। उन सभी को धन्यवाद जो मेरे सपनों पर हंसते हैं। उन्होंने मुझे बढ़ना सिखाया और जरूरी चीजों के लिए लड़ना। मैं इसी वाक्य को दोहरा रहा हूं फ्रेंड्स। उन सभी को धन्यवाद जो मेरे सपनों पर हंसते हैं। उन्होंने मुझे बढ़ना सिखाया और जरूरी चीजों के लिए लड़ना। दोस्तों, ये बात आपने इससे पहले भी एक अलग तरीके से जरूर सुनी होगी। अक्सर ये बात जब हम उपदेश देते हैं या किसी की काउंसलिंग करते हैं या किसी को समझाते बुझाते हैं, उसमें अगर जोश पैदा करना है, मोटिवेशन देना है, तो इन प्रकार बोल ही देते हैं। लेकिन बोलने का अंदाज बड़ा डिफरेंट होता है, और आप देखिए कि इन्होंने जिस अंदाज में कहा है वो बिल्कुल ही अलग है। इन्होंने धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरू की, और किनको ये धन्यवाद दे रहे हैं? धन्यवाद ये उनको दे रहे हैं कि मैं जो करना चाहता हूं, जब उन्हें पता लगा कि मैं यह करना चाह रहा हूं, सपनों से मतलब तो इसी बात से है कि जब उन्हें यह पता लगा कि मैं यह काम करने जा रहा हूं, तो उन्होंने मेरी खिल्ली उड़ाई। हंसी की जगह हम खिल्ली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने मेरी खिल्ली उड़ाई, इस रूप में खिल्ली उड़ाई कि अरे जा कर चुका तू, जिसको हम कहते हैं कि बहुत शेखी बघार रहा है, बहुत मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। अच्छा, अब तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं है, जरा छोटे सपने देखा करो। ज्यादा उड़ान भरोगे तो पंख जल जाएंगे, अपने औकात में रहो। इस तरह की ढेर सारी बातें अक्सर कह दी जाती हैं, और उस पर तो कही दी जाती हैं जबकि जब आपके सपने थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, यानी लोगों के लिए अविश्वसनीय से हो जाते हैं, तब तो ये बात कही ही कही जाती है। और दोस्तों, कहने वालों में हमारे अपने लोग भी होते हैं, हालांकि वो किसी जलन से ईर्ष्यावश ये बात नहीं कहते, वो हमको कहीं ना कहीं सतर्क करने के लिए ये बात कहते हैं, हमारे शुभचिंतक बनकर ये बात कहते हैं कि जरा इसको सतर्क कर दो, ये बेवजह अपना समय खराब करेगा, ये बेवजह अपने संसाधन खराब करेगा, अपनी जिंदगी खराब करेगा, कि भैया कुछ ऐसा काम कर लो जो हो जाए, ऐसा मत करो जो होने ही वाला नहीं है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद देता हूं।
मैं ऐसे लोगों से नाराज नहीं हूं, ऐसे लोगों की मैं आलोचना भी नहीं कर रहा हूं, बल्कि उन्हें धन्यवाद देता हूं। आप कह लीजिए कि अगर आप लिखना चाहें तो, अगर आप पौले साहब के इस विचार से सहमत है तो आप कह सकते हैं कि मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूं, राइट? इसलिए क्योंकि ऐसे ही लोग तो हैं जिन्होंने मेरे अंदर की सोई हुई शक्ति को जागृत किया है, मतलब मुझे एक चुनौती दी है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या ये सोच रहे हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तुम्हारे औकात की बात नहीं है, तुम्हारे वश की बात नहीं है, बियॉन्ड योर रीच है, तुम यहां पहुंच ही नहीं सकते, तुम इसे पा ही नहीं सकते। अब आप देखें कि जब भी कोई ऐसा कहता है तो हमारे सामने दो अलग अलग बिल्कुल रास्ते होते हैं। पहला तो यह कि हम उनकी बात को ही सच मानकर, उन्हें अपना शुभचिंतक मानकर सरेंडर कर दें और उसे छोड़ दें कि नहीं नहीं ये सही कह रहा है, ये बहुत बड़ा काम है और इसे कर पाना पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर लोग मित्रों यही करते हैं। दूसरी श्रेणी में क्या चीज आती है, दूसरी में बात आती है फ्रेंड्स की, हम उनकी बात सुनते हैं और उसे चैलेंज के रूप में लेते हैं, एक चुनौती के रूप में लेते हैं। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा सोच रहे हो मेरे बारे में, तो मैं तुम्हें झुठला कर दिखाता हूं, मैं तुम्हें इस काम को करके दिखलाऊंगा, और यदि हमने इसे चुनौती के रूप में ले लिया तो मान करके चलिए कि फिर जो हमारे अंदर की जो सोई हुई शक्ति है, जो सोई हुई जो क्षमता है, जो सुषुप्त ज्वालामुखी है, ऊर्जा की ज्वालामुखी है, उसका विस्फोट हो जाएगा, वो फट पड़ेगा, और फिर उससे जो ताकत मिलेगी, अंदर से जो गति पैदा होगी, वह गति फिर हमें कर्मठ बना देगी, गतिशील कर देगी, कर्मशील बना देगी, रुकने नहीं देगी। रुकने इसलिए नहीं देगी क्योंकि हमने उनकी बातों को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। वो हमें निराश नहीं कर सका है, वो हमें हताश नहीं कर सका है, वो हमें हमारे मार्ग से विचलित भी नहीं कर सका है, बल्कि उसने एक तरीके से मुझे खुली चुनौती दी है, मुझे चैलेंज किया है और मैं उसे चैलेंज के रूप में लेता हूं। ये एक दूसरी स्थिति हुई। मूलतः ये दो स्थितियां होती हैं, लेकिन मित्रों मैं यहां एक और तीसरी स्थिति के बारे में भी बात कर रहा हूं। यह भी चैलेंज से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग किस्म का है। ये किस तरह का चैलेंज है? ठीक है, तुम कह रहे हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, तो आपने चैलेंज ले लिया, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति एक बहुत आलोचना का भाव घर कर गया है। सच पूछिए तो मैंने मन ही मन कहीं ना कहीं उसे अपना विरोधी मान लिया, उसे अपना दुश्मन मान लिया है कि अच्छा वो मेरे बारे में यह धारणा रखता है। अब होगा क्या कि ये जो तीसरी स्थिति है, देखिए, जिसमें मैंने उसे अपना विरोधी मान लिया है, अपना दुश्मन मान लिया है, अपना शुभचिंतक मैं नहीं मान रहा हूं, इसका मतलब है कि उसकी बात को मैं नकारात्मक तरीके से ले रहा हूं, लेकिन उसे नकारात्मक तरीके से ले रहा हूं, यह बात अलग है कि मैं उसकी बात को सकारात्मक तरीके से ले रहा हूं। देखिए, इसे ठीक जो पहले की स्थिति थी, थोड़ा सा अंतर है, इस बारीक से अंतर को देखिएगा, तभी आप पाउलो कोएलो के इस वाक्य के अर्थ को समझ पाएंगे। पहली तो स्थिति है कि मैंने सरेंडर कर दिया, उसे अपना शुभचिंतक मानते हुए उसकी बात मान ली और मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया, परसू करना छोड़ दिया, उसका अनुसरण करना छोड़ दिया, उसका पीछा करना छोड़ दिया। दूसरी स्थिति में मैंने बताया कि उसको मैंने चैलेंज के रूप में माना और मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया और मनी मन सोचा कि मैं करके दिखाता हूं। तीसरी जो स्थिति मैं बता रहा हूं, जो इस दूसरी स्थिति से ही जुड़ी हुई है, वो ये कि मैंने उसको चैलेंज के रूप में तो लिया, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में शत्रु भाव पैदा हो गया, उसे मैंने अपना विरोधी बना लिया और फिर मैं अपने काम में लग गया। अब ये जो तीसरी स्थिति होती है फ्रेंड्स, ये जो तीसरी स्थिति हमारे अवचेतन मन में जाकर के एक तरह की नकारात्मकता पैदा कर देती है, एक व्यक्ति के प्रति वो नकारात्मकता पैदा कर देती है। सच पूछिए तो पावलो कोएलो ने ये जो व्यक्ति के प्रति जो नकारात्मकता का भाव पैदा हुआ है, उसी के प्रति इनडायरेक्टली हमें सतर्क किया है, हमें सतर्क किया है कि अगर वह नकारात्मकता उस व्यक्ति के प्रति पैदा हो गई तो मान करके चलिए कि उसने जो चैलेंज मेरे सामने फेंका था, रखा था,
उसे मैंने सही तरीके से स्वीकार नहीं किया है, उसे मैं एक तरीके से गलत तरीके से स्वीकार कर रहा हूं या आन बान शान की बात समझ करके स्वीकार कर रहा हूं, तो मेरे अंदर की जो ऊर्जा जागृत होनी चाहिए थी वह ऊर्जा उस तरीके से जागृत नहीं हो पाएगी। यहां इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मित्रों ध्यान देना पड़ेगा। यहां वो ये बात कह रहे हैं, इसीलिए शुरू में उन्होंने कहा कि उन सभी को धन्यवाद। देखिए हालांकि ये छोटा सा शब्द है और हम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते कि ठीक है थैंक्स मैं कह रहा हूं, लेकिन वो धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं? धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल वो ये बताने के लिए कर रहे हैं कि उनके प्रति भी हमारे मन में सद्भावना होनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए, वो हमें अपने सबसे अच्छे मित्र मालूम होने चाहिए। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने रास्ता दिखाया, मेरे अंदर जो सोई पड़ी ऊर्जा थी उसे जगाया। दोस्तों बड़े काम के पीछे ये जो मनोविज्ञान है ये बहुत जबरदस्त रूप से काम करता है, बहुत जबरदस्त रूप से काम करता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर हमारे मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है तो ये मान करके चलिए कि फिर हमने अपने एक ऊर्जा के एक बहुत बड़े हिस्से को ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है, और जो शेष हमारे अंदर ऊर्जा है भी उसे पल्यूट भी कर दिया, उसे आप यूं कह लीजिए कि प्रदूषित कर दिया है, फिर वो ऊर्जा उस तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारा मन अब प्रसन्न नहीं हो पाएगा, और अगर मन प्रसन्न नहीं हो पाया तो फिर बात उतनी बनेगी नहीं, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि हंसेंगे लोग मेरे बड़े सपनों पर ही, छोटे छोटे सपनों पर लोग नहीं हंसा करते। तो मित्रों मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी बात को कितनी स्पष्टता के साथ आपके सामने रख पाया हूं, लेकिन यह वाक्य मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी अपने अपने ढंग से इस वाक्य पर सोचें, और अगर आपको ये प्यारा लगता है तो आप इसे नोट कर लें, बहुत अच्छा वाक्य है। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को यही समाप्त करता हूं, नमस्कार।